नमस्कार सभी को, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। आप सभी को पता है कि कक्षा वन के लिए, क्लास वन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है 28 फेब से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 21 मार्च। शाम के 7 बजे तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। और बहुत से पेरेंट्स के मन में एक सवाल है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट होते हैं एक सेक्शन में, तो आज के इस वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज होता है और कितने सीट होते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लास की स्ट्रेंथ है 40, तो 40 अगर स्ट्रेंथ है तो उस 40 बच्चों की स्ट्रेंथ में 27% जो परसेंटेज होता है वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो उसमें 11 सीट्स जो होती है वो रिजर्व होती है एक सेक्शन के लिए, 11 सीट जो होती है ओबीसी कैटेगरी के लिए होती है। फिर उसके बाद आता है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन होता है, 6 सीट्स आर रिजर्व इन द वन सेक्शन, 6 सीट रिजर्व होती है एक सेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% है, 3 सीट्स आर रिजर्व इन द वन सेक्शन। नेक्स्ट वन आरटी, दैट इज आरटी में देखो 25% रिजर्वेशन होता है, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो जिसमें 10 सीट्स आर रिजर्व इन द वन सेक्शन, 10 सीट जो होती है आरटी बच्चों के लिए होती है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में जैसे 2 सेक्शन होंगे तो एक सेक्शन में 10, दूसरे सेक्शन में 10, ऐसे 20 बच्चों का एडमिशन अंडर आरटी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड के लिए 3% जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है, मीन्स एक सीट जो होती है रिजर्व होती है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए। और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था जिसमें हमने सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब क्या उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है उस वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हो। उसके साथ ही मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेट कौन सा होता है, कौन से एफिडेविट आपको, एफिडेविट का फॉर्मेट भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 सीट्स रिजर्व होती है एक सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से जो रिजर्वेशन होता है एडमिशन में।